नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप स्टडी सर्कल के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इससे पहले जितने भी आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पढ़ाया भी था सब पेंसिल का ग्रेड, और जितने भी वीडियो हैं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले का आंसर है 7B। 7B जो पेंसिल होती है वो सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस प्रकार का होता है। तो क्रॉस सेक्शन तो सभी लोगों ने देखा होगा, कैसा होता है, सम षडभुजाकार होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का हेड स्लाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बहुत अच्छी तरह आपको बताया था कि ड्राइंग बोर्ड में बाईं ओर एक एबोनी होती है जिसमें टी स्क्वायर का जो हेड होता है या स्टॉक होता है वो क्या करता है, स्लाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं, एबोनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने में किया जाता है। तो बड़ी कंपास का प्रयोग 150 mm त्रिज्या से अधिक वृत्त के माप के वृत्त खींचने में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, A2 ड्राइंग शीट का माप कितना होता है। तो A2 ड्राइंग शीट जो होती है इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है, उसका साइज कितना होता है, 420 mm × 594 ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 25 mm से 50 mm व्यास के वृत्त किस कंपास द्वारा खींचे जा सकते हैं। तो 50 mm व्यास तक के जो वृत्त होते हैं वो छोटी कंपास के द्वारा खींचे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा तथा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जाता है। अर्थात ये चारों जो होते हैं एक ही ड्राइंग उपकरण में होते हैं। किस में होते हैं, मिनी ड्राफ्टर में। मैंने आपको पूरा मिनी ड्राफ्टर के बारे में समझाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है। तो जो टी स्क्वायर होता है वो किसका बना होता है, सागौन की लकड़ी का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग में तीर के शीर्ष की लंबाई तथा मोटाई का अनुपात कितना होता है। तो जो ड्राइंग में जो तीर बनाते हैं उसमें जो शीर्ष होता है उसकी जो लंबाई होती है और मोटाई उसका अनुपात कितना होता है, 3:1 का अनुपात होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाई थी जिसमें आपको रेखाओं के बारे में बताया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए, किसी कोई भी छुपा हुआ भाग होता है उसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसी छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है, अदृश्य रेखा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विमाओं का मापन करने के लिए किसका, विमा अर्थात कोई भी डायमेंशन के मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्केल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 45, 45, 45, 45 और 90 कोण के जो सेट स्क्वायर होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, कितनी होती है, 20 cm होती है, काफी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एबोनी ड्राइंग बोर्ड के किस तरफ लगी होती है। मैंने अभी आपको बताया कि ड्राइंग बोर्ड के जो एबोनी होती है जिस पर टी स्क्वायर का जो हेड होता है वो क्या करता है, स्लाइड करता है, वो किस तरफ होती है, बाईं ओर होती है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपसे अहमदाबाद बोर्ड में पिछली बार जो ALP का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग क्या कहलाती है। तो अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग क्या कहलाती है, ब्लू प्रिंट कहलाती है। अगला है, यह कौन सी रेखा है। तो ये रेखा जो आप देख रहे हैं ये कौन सी है, सेंट्रल लाइन अर्थात केंद्र रेखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा है तो वो कितना होता है, 2:1। अगर वो बोलता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है तो 1:2 होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है। तो ड्राइंग शीट कई आकार में आती है, A0, A1, A2, A3, A4,
तो जो सबसे बड़ा आकार होता है वो होता है A0। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? सारे ड्राइंग बोर्ड आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ड्राइंग बोर्ड की जो अधिकतम लंबाई होती है वो होती है 1500 mm। अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर का माप किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो मैंने आपको बताया भी था, टी स्क्वायर इस टाइप की डिवाइस होती है, ठीक है, इसका ये सारा हेड या स्टॉक कहलाता है जो कि ड्राइंग बोर्ड के एबोनी में स्लाइड करता है, और इसकी जो नाप होती है इसकी ब्लेड की लंबाई के द्वारा व्यक्त की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो टेक्निकल जो ड्राइंग होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव पेंसिल के ग्रेड के आधार पर, तीन पेंसिल के ग्रेड होते हैं, सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हार्ड ग्रेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लीड सबको पता होगा ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज, खड़ी तथा कोण तीनों को खींच सकते हैं? क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा और कोण तीनों को खींच सकते हैं, ऐसा कौन सा उपकरण है? मिनी ड्राफ्टर। अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर से कैसी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो टी स्क्वायर अभी हाल ही मैंने आपको बताया टी के आकार का होता है, इस टाइप से टी स्क्वायर होता है, तो टी स्क्वायर के द्वारा कैसी रेखाएं खींची जाती हैं? क्षैतिज रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्षैतिज और इस टाइप से क्षैतिज और एक दूसरे के समांतर भी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? जो सेट स्क्वायर होता है उसका तीनों कोणों का योग कितना होता है? सेट स्क्वायर इसी टाइप से आपके होते हैं, ठीक है ना, तो इनमें जो त्रिभुज बनता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। इसी प्रकार सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगला क्वेश्चन है, टाइटल ब्लॉक का माप क्या होता है? टाइटल ब्लॉक कहाँ पर होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइंग शीट होती है उसमें दाएं हिस्से के निचले कोने पर टाइटल ब्लॉक होता है, और इसका माप जो होता है 65 mm इंटू 185 mm इसका नाप होता है, ठीक है। दोस्तों ये रहे पेपरों में आने वाले क्वेश्चंस जो काफ़ी पेपर में आए हैं और आगे भी आएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल दीप स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।